मेरे सामने फ्रेंड्स रजत जैन जी बैठे हुए हैं जिन्होंने दिसंबर 21 में इतिहास रच दिया। इनको SFM में 96 मार्क्स आए हैं, वन ऑफ ऑल इंडिया हाईएस्ट। मेरे लिए तो ये 100% जितना ही है, क्योंकि अगर कटे होंगे तो थ्योरी में कटे होंगे और उसमें तो रजत जी भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिकल इनका 100% करेक्ट था। इनको रिस्क मैनेजमेंट पेपर में एग्जेम्पशन आया है और इनको ऑल इंडिया रैंक आया है। तो सोचिए, मतलब इन्होंने हर मुकाम में, हर एक पड़ाव में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि रजत जैन मेरे स्टूडेंट हैं और आगे जिंदगी में ये बहुत आगे मुकाम हासिल करने वाले हैं, और मेरे इन शुभकामनाएं इनके साथ हमेशा रहेगी। रजत जैन, आपने ऐसा कमाल कैसे किया, रेदर CA रजत जैन मुझे बोलना चाहिए। आपने गुड़गांव से मेरी क्लासेस ली थी, गुड़गांव सेंटर से आपने क्लासेस की थी। अपनी जर्नी को बताइए, अपनी जर्नी को डिस्क्राइब कीजिए। क्लासेस आपने कैसे, सबसे पहले तो आपको कैसे पता चला कि नहीं आदित्य जैन सर का ही क्लास लेना है, और उसके बाद आपकी जर्नी जो शुरू हुई, क्लासेस कैसा लगा, स्टॉक मार्केट के जो हम एप्लीकेशन आपको क्लासेस में बताते थे उसका कितना मदद मिला एग्जाम में क्रैक करने में, और ये 96 का क्या रोल है आपको ओवरऑल रैंक दिलवाने में, प्लीज बताइए। सर वो क्लासेस का तो दरअसल ये था कि रेफरेंस के थ्रू ही हुआ था। इससे मतलब जो भी मेरे सीनियर्स थे सबने ये कहा कि अगर SFM सिंपल तरीके से पढ़ना है, लाइक कि मतलब तुम्हें जाना ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़े और सब कुछ अच्छे से इंटरेस्टिंग लगे और समझ में आए, तो आदित्य जैन सर की क्लासेस लो, क्योंकि वो पूरा प्रैक्टिकली कराते हैं सारी चीजें। जैसे तुम्हारे मतलब एक तरीके रिटेंशन पावर भी स्ट्रांग हो जाती है, तुम्हारी सब्जेक्ट ग्रिप भी स्ट्रांग हो जाती है। तो फिर उसके लिए मैंने फिर आपकी क्लासेस ली थी गुड़गांव सेंटर से। और रहा बात रिवीजन का, तो रिवीजन मैंने फेब से स्टार्ट कर दी थी SFM की। तो फेब में मैंने अपनी सारी कोचिंग्स टाइम पर कंप्लीट करके SFM की फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर ली थी। जो आपके स्टडी मटेरियल में जितने भी सारे क्वेश्चंस थे, ईच एंड एवरी वन, सारा मैंने अपने हाथ से करके देख लिया था। और तो फिर एग्जाम हॉल से जाने से, एग्जाम डेज से पहले मेरे 4 रिवीजन मेरी कंप्लीट हो चुकी थी टोटल आपके मटेरियल से ही, जिसमें अमेंडमेंट्स भी सारी इंक्लूडेड थी जो आपने बाद में प्रोवाइड करी थी टेलीग्राम चैनल पर, और थ्योरी भी, और एग्जाम के 1.5 डेज में एक रिवीजन। तो इन टोटल 5 रिवीजन मेरी हो गई थी पूरी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो SFM बहुत डर लगता है बच्चों को कि पता नहीं SFM जैसा सब्जेक्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आपको कैसा लगा कि बहुत आसान हो गया आपके लिए, बहुत इजी हो गया, आपको ऐसा लगने लगा कि यार इसमें तो मुझे बहुत ही अच्छे नंबर आ सकते हैं? पहले प्रिपरेशन के टाइम भी आपको कॉन्फिडेंस लेवल क्या था, और जब आपने एग्जाम दिया और जो क्वेश्चन पेपर आपने देखा तब आपको क्या एहसास हुआ कि नहीं सर जो कहते थे बिल्कुल सही कहते थे? सर वो बच्चों को डर SFM से इसलिए लगता है क्योंकि जो ICAI नोटेशन यूज करते हैं आप स्टडी मटेरियल में, तो वो किसी को समझ में नहीं आती और वो शॉर्टकट ज्यादा मतलब करता है। आप बिल्कुल स्टेप वाइज कराते हो, और सबसे पहले मेन बात यह है कि जो भी फॉर्मूला होता है वो कहाँ से आया है उसकी डेरिवेशन पूरी पता होती है, तो जो मतलब बहुत हेल्प करती है पूरा फॉर्मूला समझने में और रिटेन करने में। और रही बात अपने मतलब डर डर की SFM को लेकर के, तो वो अगर आपकी प्रैक्टिकली आपका SFM स्ट्रॉन्ग है, लाइक स्टॉक मार्केट का आप जो आप ट्रेडिंग वगैरह करवाते हैं, तो फिर वो सारे एक तरीके से मतलब प्रैक्टिकली आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो वो बहुत सिंपल हो जाता है फिर रिटेन करना भी और उसे स्कोर करना भी। और इंटरेस्टिंग अगर जो चीज आपको इंटरेस्टिंग लगने लग गई तो उस पर तो स्कोर तो हो ही जाता है उसमें तो तो इजीली। आगे अपना करियर किसमें बनाने का सोच रहे हैं आप? सर वो उसी के लिए मेरे को आपसे गाइडेंस भी लेनी थी कि मतलब मेरे को फाइनेंस में ही बनाना था, मेरे को कोई अकाउंटिंग वगैरह में नहीं जाना था चलिए, तो मैं दरअसल। डेफिनेटली आपको गाइड करूंगा। आपको बहुत सारी अभी मेहनत करनी है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि फाइनेंस करियर में बहुत धूम मचा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, कोई हांगकांग में जॉब कर रहा है HSBC जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में, कोई अमेरिका में मैकेंजी जैसी फर्म में पार्टनर एज एन एसोसिएट पार्टनर काम कर रहा है। करोड़ों करोड़ों का पैकेज उनको मिल रहा है। मेरा मानना है कि आपने बहुत, आप आदम प्लेटफॉर्म आपका सेट है। अब आप बस, आपको रैंक भी आया है, आपको इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं, आपने इलेक्टिव पेपर भी आपने सही चूज किया है। आजकल रिस्क मैनेजमेंट का समय चल रहा है, सारी कंपनी एक अच्छी एक प्रोफाइल आपके जैसे प्रोफाइल को ढूंढ रही है, तो आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। मैं जो भी हो पाएगा मैं जरूर आपके लिए हेल्प करूंगा, क्योंकि आपका नाम होगा तो मेरा नाम थैंक यू होगा। सर। मेरा हमेशा ये मानना है आपके नाम से मेरा नाम जुड़ जाएगा। जी, थैंक यू वेरी मच थैंक सर। यू रजत, बहुत अच्छा, आपने मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जल्दी से आइए प्राइज सेरेमनी में, आपका प्राइज ड्यू है हमारे एंड पे।
आप जल्दी से फ्री होइए और जल्दी से प्राइस सेरेमनी अटेंड कीजिए ताकि फेस टू फेस मुलाकात हो सके और आपको मैं प्राइस दे सकूं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच।